मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। बड़ी खबर सिवान से, जहां घर में रखा अचानक पटाखा फट गया जिससे 3 बच्चे घायल हो गए। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव की है। पटाखा फटने से घर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के घर में पटाखा रखा था, तभी अचानक पटाखा जो है वो फट गया जिससे घर के बच्चे घायल हो गए। तीनों घायलों का नाम समी अख्तर, सालू और अयान है, जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों ने घायल बच्चों को सिवान सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इन तीनों बच्चों को पटना रेफर कर दिया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सिवान में घर में रखा पटाखा अचानक फट गया जिससे 3 बच्चे घायल हो गए। बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गाँव की ये घटना है, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, 3 बच्चे घायल हो गए। शेखपुरा गांव के एक घर में पटाखा रखा हुआ था, तभी अचानक पटाखा फट गया जिसमें समी अख्तर, सालू और अयान नाम के बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।